कीप ग्रोइंग में आपका स्वागत है कीप ग्रोइंग में आज हम बात करेंगे इन ऑन अंडर की इन ऑन अंडर ये तीनों ही प्रेपोजिशन वर्ड है और इनका इस्तेमाल किसी भी चीज़ की पोजिशन बताने के लिए किया जाता है इन ऑन अंडर इस बात को समझना होगा इन ऑन एंड अंडर अब हम सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं और फ्लैश कार्ड के सहारे समझते हैं इनके कॉन्सेप्ट को इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट अ कैट इन अ हैट कैट हैट के अंदर है तो ऐसे में इसकी पोजीशन बताने के लिए हम यूज करेंगे इनका अ कैट इन हैट बॉय इन अ टब एक बेबी बॉय है टब के अंदर तो हमने इसके लिए यूज किया इनका अ बॉय इन अ टब बर्ड इन अ नेस्ट बर्ड किसके अंदर है नेस्ट के अंदर तो हमने इस्तेमाल किया इनका अ बर्ड इन अस्ट या इसका मतलब है कि नेस्ट के अंदर बर्ड है यानी कि घोसले के अंदर बर्ड है अब हम बात करेंगे ऑन की ऑन का मतलब होता है के ऊपर अ बॉल इज ऑन द मैथ मैथ के ऊपर बॉल है तो हमने यूज किया यहां पर ऑन को अ बॉल इज ऑन द मैट इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ जग इज ऑन द टेबल टेबल के ऊपर जग है तो आपने यूज किया ऑन का अ जग इज ऑन द टेबल इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट अ बुक इज ऑन द बॉक्स एक बॉक्स के ऊपर बुक्स रखी है तो आप बोलोगे द बुक इज ऑन द बॉक्स अब हम बात करेंगे अंडर के बारे में अंडर का मतलब होता है के नीचे अ रैट इज अंडर द हैट हैट के नीचे रैट है तो हम बोलेंगे अ रैट इज अंडर द hat। इन नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी दैट अ बॉल इज अंडर द चेयर चेयर के नीचे बॉल है तो हम बोलेंगे अ बॉल इज अंडर द चेयर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट अ गर्ल इज अंडर द ट्री अ गर्ल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी है तो आप बोलोगे अ गर्ल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री अब इन ऑन अंडर के इस कॉन्सेप्ट को एक ही पिक्चर से समझ लेते हैं जैसे कि अ बॉल इज अंडर द टेबल टेबल के नीचे बॉल है तो हम बोलेंगे अ बॉल इज अंडर द टेबल टेबल के ऊपर एक फिश पॉट रखा हुआ है तो बोलेंगे अ पॉट इज ऑन द टेबल टेबल के ऊपर है ना, टेबल पर है तो हम बोलेंगे अ पॉट इज ऑन द टेबल और फिश पॉट के अंदर है एक फिश तो हम बोलेंगे अ फिश इज इन द पॉट पॉट के अंदर एक फिश है तो हम बोलेंगे अ फिश इज इन द पॉट अंडर ऑन इन एक बार दोबारा से करेंगे इन ऑन अंडर इस वर्कशीट में है फिल इन द ब्लैंक्स विद इन ऑन अंडर आप पिक्चर देखेंगे और पिक्चर में जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग इन ऑन और अंडर को यूज करेंगे अ बन डैश अ प्लेट क्या आएगा प्लेट पर रखा है तो यहाँ पर आएगा ऑन अगर प्लेट की जगह बाउल होता जिसकी साइड्स होती आपस में निकली हुई तो ऐसे में हम इनका यूज़ करते लेकिन क्योंकि ये प्लेट है तो इसके लिए हमने लगाया है ऑन अ लाइन डैश अ डेन लॉन कहाँ पर खड़ा है लायन खड़ा है अपने डेन के अंदर तो उसके लिए हम लगाएंगे इन अ बर्ड डैश अ ट्री ट्री पर है बर्ड तो हम लगाएंगे इसके लिए अ बर्ड ऑन अ ट्री कप डैश द टेबल टेबल के नीचे है तो अब आप सबको पता होना चाहिए यहाँ क्या आएगा यहाँ आएगा अंडर कप इज अंडर द टेबल अ डॉग डैश अ मैट क्या आना चाहिए ऑन अ डॉग ऑन अ मैट अ रैट इन अ हैट इन अ हैट अ फिश कहाँ पर है फिश पॉट के अंदर जार के अंदर तो हम लिखेंगे अ फिश इन अ जार अ बॉय डैश द चेयर बॉय कहाँ है चेयर के नीचे तो क्या लगेगा अंडर अ बॉय अंडर द चेयर अ फ्रॉक डैश द नेट फ्रॉक कहाँ पर है नेट के अंदर तो हम लगाएंगे इसके लिए इन अ फ्रॉक इन द नेट अ बस रंस डैश द रोड कहाँ पर चलती है रोड पर चलती है बस तो हम लगाएंगे इसके लिए ऑन केक डैश द कॉट केक कहाँ पर है केक है कॉट के नीचे तो हम लगाएंगे इसके लिए अंडर क्योंकि हमें पता है कि नीचे के लिए आता है हमेशा अंडर अडक डैश अप पॉन्ड डक कहाँ पर है पौन्ड के अंदर तो हम यहाँ पर लगाएंगे अडक इन अपड इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है इन ऑन अंडर की कीप प्रैक्टिसिंग कीप ग्रोइंग